अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी पुरानी डेनिम जीन्स से एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ये हैं डेनिम वॉलेट्स और ये बने हैं अपसाइकल्ड डेनिम जीन्स से। अपसाइकलिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वो सामान या चीजें जो अब पुरानी हो गई हैं या अब आपके यूज की नहीं रह गई हैं, उसको डेकोरेट या मॉडिफाई करके एक ऐसे वे में यूज करना जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़े। इसके कुछ यूनिक एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ये ट्रैवल सूटकेस। इसके पुराने होने के बाद इसको एक दीवार पे लगने वाली अलमारी में कन्वर्ट कर दिया गया है विद अ मिरर। ऑल्सो ये बाथटब, जिसके पुराने हो जाने के बाद उसको एक सोफे में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड नॉट टू फॉरगेट दीज टॉयलेट रोल्स, जिन्हें कपड़े रखने के लिए एज कंपार्टमेंट्स यूज किया गया है। है ना क्रिएटिव? बिल्कुल ऐसे ही पुरानी जीन्स को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं ये डेनिम वॉलेट्स। ये वीगन डेनिम वॉलेट्स एनवायरनमेंट को मल्टीपल वेज में बेनिफिट करते हैं। इनका पहला बेनिफिट है कि ये वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। दुनिया में हर साल 92 मिलियन टन्स ऑफ क्लोदिंग या टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। तो अगर हम अपनी पुरानी जीन्स या फिर वो जीन्स जो अब हमें फिट नहीं होती, उसको अपसाइकिल करके एक वॉलेट में कन्वर्ट करने को दे दें, तो हम ये वेस्ट जनरेशन कम कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम डेनिम वॉलेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं तो लेदर और रेग्जीन वॉलेट्स का प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन लेदर और रेग्जिन के वॉलेट्स में प्रॉब्लम क्या है? लेदर, जिसको चमड़ा भी कहा जाता है, जिसको निकालने के लिए इन एनिमल्स को मारा जाता है। इनिशियली तो लेदर मरे हुए एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता था, पर डिमांड बढ़ने की वजह से अब एनिमल्स को लेदर प्रोडक्शन के लिए मारा जाता है। सिर्फ फैशन के लिए इन काउस, पिग्स, बफलोज, गोट, लैम्स और ना जाने ऐसे कितने और जानवरों को मारा जाता है। और तो और, इन एनिमल्स की स्किन को अच्छा रखने के लिए इन पे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है, जो इन एनिमल्स के लिए एक काफी पेनफुल और हर्टफुल प्रोसेस है। हर साल अराउंड 2 बिलियन एनिमल्स को लेदर के प्रोडक्शन के लिए मारा जाता है। अब क्या सिर्फ फैशन के लिए इन एनिमल्स को मारना सही है? नहीं ना। और अगर हम बात करें रेग्जीन की, रेग्जीन को आर्टिफिशियल लेदर भी कंसिडर किया जाता है। ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसको बनाने के लिए केमिकल्स और अल्कोहल को क्लॉथ के सरफेस पे प्रोसेस किया जाता है और इस पे डिफरेंट पैटर्न्स इंग्रेव किए जाते हैं सो दैट ये लेदर जैसा दिखने लगे। एज इस प्रोसेस में एनवायरनमेंट में काफी सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। हाँ, ये एनवायरनमेंट के लिए लेदर से जरूर बेटर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और सालों तक हमारे लैंडफिल्स को पल्यूट करता रहता है जब हम इनको फेंक देते हैं। एज दीज आर नॉट ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, और ये कुछ टाइम बाद खराब होने लगते हैं। और यहाँ पे आते हैं डेनिम वॉलेट्स, जो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सोल्यूशन है। इको फ्रीकी के ये वॉलेट्स अवेलेबल हैं 3 डिजाइन्स में। ये क्लासिक वीगन डेनिम वॉलेट, जो आता है काफी सारे कंपार्टमेंट्स के साथ टू स्टोर योर कैश, कार्ड्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। दूसरा है ये मिनिमलिस्टिक वीगन डेनिम वॉलेट, विच हैज द परफेक्ट साइज टू फिट इन एवरी पॉकेट। और थर्ड है ये डेनिम कार्ड होल्डर। ये आपके कार्ड्स रखने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो काफी कम स्पेस लेता है और काफी सारे कार्ड्स को होल्ड कर सकता है। अलोंग विद बीइंग इको फ्रेंडली, ये डेनिम वॉलेट्स अफोर्डेबल और स्टाइलिश भी हैं। इनकी अमेजिंग बात ये है कि हर डिजाइन और कलर अपने में ही यूनिक है, क्योंकि ये अलग अलग डेनिम से बनता है। And you will have a unique design every time. तो अगर आप इन denim wallets को खरीदना चाहते हैं और ऐसे कई सारे और eco-friendly products purchase करना चाहते हैं, तो आप इन्हें purchase कर सकते हैं हमारी website ecofreaky.com से। And to watch more such content, do follow our page ecofreaky.